461 किलोमीटर ऑफ रेंज एंड 280 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, आज हम इसकी सच्चाई जानेंगे। तो पेश है दोस्तों कंप्लीट वॉक अराउंड और ड्राइविंग रिव्यू MG ZS EV का। इधर आप अगर देखते हो तो आपको मिलेगा एक खूबसूरत सा हेडलाइट, जिसके ऊपर आपको DRL मिलेगा और नीचे प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलेगा, पर आपको इधर अभी भी फॉग लैम्प नहीं मिलता है। एक नया अपग्रेड जो दिया गया है फेसलिफ्ट में, ये है रिम्स को ढका गया है और उनका डिज़ाइन चेंज किया गया है, और आपको उसके साथ साथ 215/55R17 का टायर मिल जाता है। अगर आप फेंडर पे ऊपर देखोगे तो आपको एक इलेक्ट्रिक की बैजिंग दिख जाएगी, विच इज़ द ओनली इलेक्ट्रिक बैजिंग अवेलेबल ऑन दिस। ये ORVMs अगर आप देखोगे तो ये क्रोम कलर की एक्सेसरी लगी हुई है। ये इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल नहीं है पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। उसके साथ साथ अगर आप अपर वेरिएंट देखोगे, हम मिड वेरिएंट में अपर वेरिएंट्स में आपको इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल भी मिल जाएगा। अब दरवाजे पे आते हुए आपको दिख जाएगा एक क्रोम कलर में रिक्वेस्ट सेंसर आ जाता है, उसके ऊपर एक क्रोम फिनिश भी आ जाता है। ये जो अंदर वाला है वो एक्सेसरी में लगाया गया है ताकि स्क्रैचेस ना आए। ड्राइवर दरवाजे पे तो खड़े ज़रूर है, अंदर से भी दिखाएंगे गाड़ी, पर फिलहाल अभी वॉक अराउंड कंप्लीट करेंगे। तो आते हैं गाड़ी के पीछे वाली साइड में, आपको ऊपर देखने मिलेगा शार्प फिन एंटेना, उसके नीचे आपको एक रेयर विंडशील्ड आपको दिखने मिल जाएगी, जिसमें डिफॉगर भी अवेलेबल है, वाइपर भी अवेलेबल है, और पूरे ब्रेक लाइट जो है वो LED है। पर एक बुरी चीज़ है कि ये हैलोजन है अभी भी, और रिवर्स लाइट भी हैलोजन में आती है। उसके साथ साथ एक अच्छा फीचर आता है जो आई थिंक VW से इंस्पायर हो चुका है, वो है डिक्की खोलने की टेक्निक। रेयर बूट स्पेस आप देख सकते हो, काफ़ी बूट स्पेस आ जाता है। लोडिंग लिप थोड़ा ऊपर है पर बूट स्पेस एक अच्छे शेप में है, जिससे आप बैग्स वगैरह काफ़ी रख सकते हो। उसके साथ साथ आपको अंदर एक लाइट भी आ जाता है ताकि आप रात में ठीक से देख पाओ। अगर आप नीचे आ जाते हो तो आपको एक रिवर्सिंग कैमरा दिखेगा, आप बोलोगे आगे भी कैमरा है पीछे भी कैमरा है, तो ये 360 डिग्री होगा सिस्टम। और ऊपर से ये कैमरा है किधर, तो कैमरा एक्चुअली अवेलेबल है ORVMs के नीचे। उसके साथ साथ एक और EV का बैज मिल जाता है जो कि इधर है, तो टोटल 3 ही EV के बैज आते हैं, तो गाड़ी काफ़ी सटल लग जाती है। उसके साथ साथ आपको पीछे 3 प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स मिल जाते हैं ताकि आप इजीली रिवर्स कर पाओ, और आपको एक अंदाज़ा आ जाए कि पीछे क्या है और नज़दीकी में है। अब हम पीछे आ चुके हैं, मैं मेरी ड्राइविंग पोजिशन के हिसाब से ड्राइवर सीट एडजस्ट कर चुका हूँ। तो उसके पीछे आप अगर देखोगे तो नी रूम में थोड़ी कमी है, पर अगर आप बैक सीट को देखोगे तो काफ़ी कंफर्टेबल है। आई एम नॉट अ स्मॉल पर्सन बट मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, तो अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा है। एक जो कमी मुझे महसूस हो रही है वो है रिट्रैक्टेबल आर्मरेस्ट, जो बीच में से आना चाहिए था। हेड स्पेस मुझे ठीक लगती है, आई एम 5'10" पर्सन, तो हेड स्पेस मेरे हिसाब से तो मुझे ठीक लग रही है, और हो सकती थी पर बहुत अनकम्फर्टेबल ऐसी नहीं है। उसके साथ साथ इस साइज़ की गाड़ी में, ये गाड़ी काफ़ी बड़ी नहीं है, पर उसके साथ साथ आपको 3 रेयर हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल है। तो अभी आपने जैसे देखा कि इनग्रेस काफ़ी अच्छा है, कंफर्ट अच्छा है। जब आप ये गाड़ी में बैठते हो एज अ ड्राइवर, काफ़ी प्रीमियम लगती है गाड़ी। आपको एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिख जाता है इधर, जो कि दिखने में तो काफ़ी अच्छा है। नीचे AC के कंट्रोल्स और इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आपको गियर सिस्टम मिल जाता है, आपको मोड सिलेक्ट करने में, रीजन सिलेक्ट करने में, जिधर MG कर्व्स बोलता है एक्चुअली इसको, और बैटरी का अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हो तो बैटरी के लिए भी एक स्विच अवेलेबल है। उसके साथ साथ मुझे ये गाड़ी में जो अच्छा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक अवेलेबल है, जिसके साथ साथ ऑटो होल्ड भी अवेलेबल है, तो इजीली आप पार्किंग ब्रेक ऑन ऑफ कर सकते हो, ऑटो होल्ड का फीचर भी ऑन ऑफ कर सकते हो, क्योंकि ये बीच में ही दिया गया है इसके सेटिंग। स्टीयरिंग अगर आप देखोगे तो टिल्ट है पर टेलीस्कोपिंग नहीं है, जो कि इज़ लैकिंग बट इट्स नॉट अ बिग डील। आपको ऑटो हेडलाइट्स मिल जाते हैं, ऑटो वाइपर्स नहीं है फॉर कार दैट कॉस्ट 25 लाख, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। इधर आप अगर देखोगे तो आपको ORVM के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, हेडलाइट लेवलर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, उसके साथ साथ एक MID भी आपको फुली डिजिटल मिल जाती है, जिधर आपको लेफ्ट में एक स्पीड दिख जाता है, राइट में पावर परसेंटेज जो आप यूज़ कर रहे हो या फिर रीजन में आ रहा है वो दिख जाता है। AC काफ़ी पावरफुल लग रहा है गाड़ी का, तो चलो गाड़ी चला के ही देखेंगे अभी। तो फर्स्ट इम्प्रेशंस अगर आप देख पाओगे गाड़ी की मैं बैठने के बाद ही, तो आपको इमीडिएटली ऐसे
वियर्ड लगेगा क्योंकि गाड़ी में आवाज़ ही नहीं आती है, इवन दो द कार इज़ ऑन, गाड़ी में आवाज़ बिल्कुल ही नहीं आती है। उसके बाद अगर व्हेन यू स्टार्ट ड्राइविंग यू रियलाइज कि गाड़ी में एक इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, ऑटो होल्ड फीचर भी है, जिसके वजह से लाइफ बहुत ईजी हो जाती है ट्रैफिक लाइट्स में, ट्रैफिक जाम्स में, जिधर आप ग्रिडलॉक सिचुएशन में हो उसमें। उसके साथ साथ स्टीयरिंग हल्का है पर काफ़ी फीडबैक भी देता है, तो अगर आप देखोगे तो बहुत रिस्पॉन्सिव भी है, सॉरी कैमरामैन, बट काफ़ी गाड़ी तो काफ़ी स्मूथ है। सस्पेंशन इस गाड़ी में जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है, जिसका ऑब्वियसली प्रोज भी आते हैं कॉन्स भी आते हैं। प्रोज से शुरू करें तो अगर आप देखोगे तो अच्छे रास्तों पर भी कभी कभी बम्प्स काफ़ी महसूस हो जाते हैं, पर इस गाड़ी में वो इशू आता नहीं है। आप जब वॉफ्ट करते हो गाड़ी में काफ़ी प्रीमियम सा फील है, सस्पेंशन का भी काफ़ी सॉफ्ट है, तो आप देखोगे कि हम रमलर्स से जा रहे हैं तो ज़ीरो फीलिंग है अंदर, तो उसके वजह से मुझे ये सस्पेंशन सेटअप अच्छा है, सॉफ्ट है। एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है कि अगर ड्राइवर ने सीट बेल्ट ना पहना हो और ड्राइवर ने पार्क से गाड़ी ड्राइव में शिफ्ट कर दी तो पार्किंग ब्रेक ऑफ होता नहीं है, इवन दो आप मैन्युअली ट्राई करते हो पार्किंग ब्रेक ऑफ करना। हाँ, तो आप अगर 100 kph से भी जोर से ब्रेक लगा दो तो गाड़ी एकदम श्योर फुटेड लगती है। ऑफ कोर्स सस्पेंशन सॉफ्ट है तो नोज ड्राइव भी होगा गाड़ी में, पर गाड़ी आसानी से गिवन जो आपको ज़रूरत है उस टाइम में रुक जाएगी। एक्सेलरेशन, गाड़ी है इलेक्ट्रिक, अगर आप समझो मैंने इको मोड में भी डाल दिया और इफ़ आई फ्लोर इट कार जस्ट टेक्स ऑफ, और गाड़ी में इतनी पावर है कि आप 60 kph पे फुल एक्सेलरेटर दोगे तो भी व्हील स्पिन होगी गाड़ी। इधर से मैं देख पा रहा हूँ कि व्यू भी अच्छा है काफ़ी, ORVM में से भी और विंडोज़ और विंडशील्ड्स में से भी। IRVM में थोड़ा व्यू अच्छा हो सकता था, IRVM इटसेल्फ मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है इस केस में। बुरा कुछ नहीं है, कंप्लेन करने जैसे कुछ नहीं, ये नेटपिकिंग है थोड़ा। अगर आप इंटीरियर भी देख पा रहे होगे तो काफ़ी स्टाइलिश इंटीरियर है, बीच में आपको एक अच्छा सा टच स्क्रीन मिल जाता है, आई थिंक इट इज़ 10.25 inch। उसका सॉफ्टवेयर थोड़ा स्केची है, तो इन द सेंस दैट जो रिस्पॉन्स है उसका वो बहुत स्लो है, और अगर आप छोटी चीज़ ढूंढना चाहते हो तो उसमें टाइम लग जाता है। वंस यू फाइंड इट, इट्स वेरी इजी टू गो देयर अगेन, इट वेरी इजीली यू कैन नेविगेट टू इट। दूसरी चीज़ जो मुझे वैसे अच्छी लगती है बट इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है, कलर कोडिंग इनका मुझे अच्छा नहीं लगा फॉर से बैटरी परसेंटेज तो ठीक है, बट अगर मैं दूसरा इंफॉर्मेशन चाहता हूँ जैसे कि करंट जर्नी वगैरह जो आप ट्रिप देखना चाहते हो, यू कैन साइकिल थ्रू इट बट इट इज़ नॉट इम्प्रेसिव एज सच। उसके साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन इटसेल्फ व्हेन यू साइकिल थ्रू, आपको बैटरी का मोटर स्पीड दिख जाता है, बैटरी का वोल्टेज दिख जाता है, गाड़ी कितना करंट खींच रही है, कितना रीजन में करंट वापस दे रही है, ये भी दिख जाता है। तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग, बट दे कुड हैव आँखों से ऐसे देखे और आसानी से दिख जाए और आप इंटरप्रेट कर पाओ, ऐसे थोड़ा बना सकते थे। दूसरी चीज़ जो है वो TPMS दिख जाती है, नो फॉल्ट मुझे दिखा रहा है इधर, बट दैट ऑल्सो कुड हैव बीन डन बेटर आई थिंक। आपको TPMS के साथ साथ छोटी जो बैटरी रहती है नॉर्मल अपने कार में, आइस कार में भी मिल जाती है, वो बैटरी इस कार में भी रहती है क्योंकि बाकी के इलेक्ट्रॉनिक्स 12V आर्किटेक्चर पे चलते हैं, जहाँ की आपके इलेक्ट्रिक मोटर जो होते हैं वो हाई वोल्टेज जैसे कि इस गाड़ी में 400V तक चलते हैं, सो दैट बैटरी डजंट रियली मैच अप। उसके साथ आप ब्राइटनेस लेवल जो है MID का वो भी सेट कर सकते हो, मैंने जैसे अभी हाई सेट कर दिया, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन दिस केस क्योंकि एक ही सेटिंग है, टाइम दिख जाता है, लाइट्स जो ऑन है वो भी दिख जाता है आसानी से, बट आई थिंक एज आई सेड न्यूमरस टाइम्स इन दिस वीडियो दैट दे कुड हैव इम्प्रूव्ड ऑन इट। और चीज़ जो अच्छी लगती है मुझे कि मोड जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है एक दूसरे से, थ्रॉटल पेडल में भी आपको फ़र्क समझ जाता है। फिलहाल तो मैं अभी इको मोड में चल रहा हूँ, अभी एक्सेलरेटर अगर मैं दे भी दूँ फुल तो भी गाड़ी पिकअप ले लेगी आसानी से, मैं ओवरटेक कंप्लीट कर पाऊँगा वेरी सेफली वेरी फास्ट। आपने कॉशियस रहना है इसमें कि इट इज़ वेरी इजी टू लूज कंट्रोल बिकॉज ऑफ हाउ मच टॉर्क कम्स एंड
हाउ फास्ट, तो तुरंत ही पूरा टॉर्क मिल जाता है कौन से भी इलेक्ट्रिक कार में। तो उसके वजह से आपने अगर इलेक्ट्रिक कार चला रहे हो तो प्लीज़ बी वेरी कॉशियस एंड अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, स्पेशली इन स्पोर्ट मोड और व्हाट एवर मोड योर मैन्युफैक्चरर कॉल्स इट। तो दूसरा जो चीज़ मुझे दिख रही है इधर, कर्व सिस्टम। कर्व सिस्टम यानी अपने रीजन मोड है। कर्स इज एक्चुअली अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम फार्मूला वन, पर कर्स से आप अगर टॉगल करते हो तो आप रीजन 1, 2, 3 से कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी रीजन 6 पे कर दिया तो गाड़ी आराम से कोस्ट हो रही है। हमें सिर्फ 6% पावर अभी मिल रही है। अगर मैं बढ़ा दूँ लेवल 2 पे 12 आ जाएगी, लेवल 3 पे अप टू 21% रीजन हो जाता है। तो उसके साथ साथ फीचर्स तो हो गए। तो अभी स्टोरेज स्पेस की भी बात करें तो हमें ग्लव बॉक्स मिल जाता है, इधर कप होल्डर मिल जाते हैं, कप होल्डर कवर्ड है तो उसके ऊपर आप जब यूज़ नहीं कर रहे हो तो फ़ोन भी रख पाते हो। तो उसके साथ साथ इधर आपको एक बड़ा सा आर्मरेस्ट के अंदर भी जगह अच्छी सी मिल जाती है, जिधर आप एक आई थिंक 1.5 लीटर या 1 लीटर की बॉटल भी ऐसे खड़ी खड़ी रख सकते हो। तो उसके साथ साथ इधर भी मुझे दिख रहा है कि आपको एक छोटी बॉटल रख पाओगे या फिर फाइल्स रख पाओगे अपने। आई लाइक दिस ऑल्सो, द इलेक्ट्रॉनिक स्विच फॉर द डोर अनलॉक एंड अनलॉक। उसके साथ साथ ये एसी वेंट भी ऐसे जेट के इंजन जैसे बनाए गए, बीच वाले भी स्टाइलिश लगते थे, इवन दो दे आर रेक्टेंगुलर दे डोंट लुक आउट ऑफ प्लेस। स्टेयरिंग पे अगर आप बटन देखोगे तो आपको इस साइड में मीडिया के बटन दिखेंगे, सोर्स के बटन दिखेंगे और कॉल्स आंसर या एंड करने के बटन दिखेंगे। मीडिया में आपको ऑब्वियसली वॉल्यूम और सीट के बटन, इधर आपको MID में साइकिल करने के लिए बटन मिल जाता है। इधर एक स्टार का बटन है जो आपको कस्टमाइजेबल है, आप कौन से भी शॉर्टकट इसको प्रोग्राम कर सकते हो गाड़ी में, जिससे आप जो भी मतलब आप इजीली एक्सेस करना चाहो और बार बार एक्सेस करते हो वो वैसे। उसके साथ साथ आपको एक वॉइस कमेंट्स का भी बटन मिल जाता है। This is not the top spec version, this is the mid version. But even so, it is well specced. काफ़ी well specced है, काफ़ी features जो आपको ज़रूरी है वो मिल जाते हैं। Sunroof नहीं मिलता वो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। Sunroof वैसे फ़ायदेमंद है नहीं इंडिया में ज़्यादा। तो कमेंट में बताइए कि कौन से आप वीडियोस और देखना चाहोगे क्या, या ये वीडियो में अगर आप कुछ ऐड करना चाहोगे या डिस्कस करना चाहोगे मेरे साथ तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू।